कैसे हैं आप लोग? स्वागत करते हैं हम आपका अपने इस नए ब्लॉग में। जी पीछे आपको थोड़ा बर्तन के खनखनाने की आवाज आ रही होगी, तो बात क्या है जी, होली आने वाली है और होली की हमारे यहाँ तैयारी चल रही है। तो आज है होलिका दहन, तो होलिका दहन हम लोगों के यहाँ तो नहीं होता है, लेकिन दीदी के यहाँ होता है। और क्या किया जा रहा है? मेरा मेवा। मेवा, ठीक है। फिर क्या किया जाएगा इसका? ये क्या है? ये भी खोया है, मार्केट का खोया है। ये मार्केट का जैसे गुजिया बनाना है। ये अपने घर का बनाया हुआ है। तो गुजिया बनने वाला है जी। ये घर का कितना अलग है और ये मार्केट का कितना अलग है। हम थोड़ा सा रवा मिलाएंगे भून के, जो कि पापा भून रहे हैं। अच्छा, त्योहार कुछ भी हो सब मिलके, तो हम सारे मिलके काम करते हैं। अब इसमें चीनी मिलाया जाएगा। गुजिया बनाने जा रहे थे, जिया बोली की हाँ मम्मी गुजिया मुझे बहुत पसंद है, आज पूरे दिन गुजिया बैठ के खाएंगे। ये बना के देखते हैं ना, अगर ये बन जाता है तो इसका मतलब कि सही मोइन पड़ा हुआ है इसमें। हमारे मामा सो रहे हैं, बहुत बढ़िया। मामा अंदर सो रहे हैं। बताइए आप क्या तल रहे हैं? ये तल रहा हूँ। अच्छा, पक जाएगा तो इसको निकालेंगे। सिलेंडर लगा हुआ है, पट्टी सिलेंडर कनेक्टेड है। तो मामा सो रहे थे इसलिए मामा जगह मैं वीडियो बना रहा हूँ। अच्छा, तू व्लॉगिंग कर रहा है। तो ये है हमारे मामा जी, एकदम सो रहे मस्त होके कम्बल उड़ के। तो मैं चॉकलेट पड़ी थी, मैं खा रहा हूँ। अब यहाँ लड्डू भी लग गया है गुजिया बनाने में। नहीं लड्डू कहाँ से देखा आपने? पापा से? पापा को देख रहा नहीं है। तब हम मामा को जगाएंगे। ये मामा, ये उठ जाओ नहीं, ये मामा उठ जाओ नहीं, चलो मम्मी मामा उठ नहीं रहे, मैं ऐसे कर रहे हैं और कंबल के अंदर मुंह घुसा के सो गए। तो हम पहुंचा देते दिखा देते हैं, दिखा देते हैं ना। यहाँ पे तला ज्यादा है गुजिया। ये कुछ अलग तरह का गुजिया बनाने की तैयारी है। बाकी एक गुजिया तो बन चुका है, अब यह अलग प्रकार के गुजिया बनाने की यहाँ तैयारी है। वह भी देख रहे हैं एकदम रंग बिरंगा। तो होली है, तो होली रंगों का त्यौहार कहलाता है, और इसी रंगों के त्यौहार में खाना भी रंग बिरंगा एकदम बनेगा। यहाँ दीदी को देखिए क्या कर रही है, उपटन लाई है। इसका ये मतलब होता है, हाँ। ये पूरे शरीर में लगाया जाता है और इसका जो होता है छुड़ा के मैल होता है वो इकट्ठा किया जाता है, पूरे परिवार को लगाया जाता है पूरे अच्छा। शरीर में, और फिर उसे होलिका में जलाया जाता है। और ये कहा जाता है कि इससे शरीर रोग बीमारियाँ जो होती है वो होलिका दहन के साथ ही चल जाती है। अच्छा, अब हम अगले आने वाले साल के लिए पूरी तरह से निरोगी हो जाते हैं। चलिए, सही परंपरा है। दीदी यहाँ जो बता रही थी अभी जो भी रस्में थी, वह बनारस की तरफ की है, हमारी साइड ऐसी कोई रस्म है नहीं। कुछ भी ऐसी रस्म आएगा हमारे जहन में तो मौसी है ही, हमारी साइड की है, बताएगी आपको। मौसी को देखिए, गुजिया बनाने की तैयारी चल रही है इनकी। हमारे यहाँ गांव से बाहर वो होली का दहन होता है जो जेंट्स ही जाते हैं। अच्छा, जेंट्स जाते हैं वहाँ पर, औरत नहीं जाती है। औरत नहीं जाती है क्योंकि प्रहलाद को जलाया गया था होली का अपने गोद में लेकर के, इसलिए उसमें लेडीज नहीं जाती है। उसको कहा जाता है दाह संस्कार एक तरह से। इसलिए हमारे यहाँ लेडीज नहीं जाती है। बाकी जी आज जो है हम लोगों के घर में होली मनाई जा रही है, लेकिन यहाँ जो शहर और गाँव में बार बार देखते हैं, हर साल देखते हैं कि गांव में जब होली मनाया जाता है ठीक उसके अगले दिन शहर में मनाया जाता है, तो ठीक वैसा ही हो रहा है हम लोगों के घर में। तो जीजा जी को उपटन लगा दिया गया है, अब बारी है लड्डू को उपटन लगाने की। सर मारी है हाफ पैंट। हाँ, ऐसे सर मारी है कि मुझे हाफ पैंट में क्यों दिखाया जा रहा है? देख रहे चेहरा छिपा रहा है, चेहरा छिपाने से क्या होगा, पैर छिपाना होगा ना। वीडियो में देखा है।
देखा होगा, ये हमारा लड्डू है, देख सकते हैं, जो कि हम बेस्ट छुपा रहा है ना, सब कोई आपको जानता है, बेस्ट छुपाने से कुछ नहीं होगा। मैं बताऊँ जिस चीज के लिए शर्म आ रहा उसको छिपा नहीं रहा है। यहाँ पर होली का दहन शुरू हो गया है, देख रहे हैं आग की बड़ी बड़ी लपट चल रही है यहाँ पर, और बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, सारी सोसाइटी के लोग इकट्ठा हुए पड़े हैं। कैसा लग रहा है? पहली बार देख रही हूँ। पहली बार देख रही होली का दहन? हाँ, और होता भी तो लेडीज नहीं जाती है ना। हाँ, गांव से बाहर होता है। गांव से बाहर होता है, सही बात। जिस दिन होली रहता है ना उसके रात में होता है। हाँ। श्रेयांश, प्रसाद नहीं लेगा? प्रसाद ये लो, आप भी लगाओ आंटी को। ये खुद ही लगा रहा है, आप भी लगा दो मामी के। अब इसको समझ, अब लो यहाँ पर हो गया होली का दहन संपन्न, और उसके बाद अब सभी लोग जो है अपने अपने रूम में जा रहे हैं। रात के 10 और यहाँ पर जो है नमक पारा बनने की तैयारी चल रही है। इधर माँ बेल रही है, उधर एक बेला हुआ है तो उसको काट रही है, और इधर लड्डू भी अपना योगदान अपने तरीके से दे रहा है। बाकी उधर आपको गुजिया दिख रहा होगा, जो मैं अभी इस कैमरे को ऑफ करके एक दो उठाऊंगा वहाँ से। The next day. और यहाँ सुबह उठ गए हम, और जब सुबह उठे तो देखिए यहाँ मौसी पुआ तल रही है। दही बारा भी फेवरेट बन गया है। अच्छा, दही बारा बन गया है। तो दीदी कह रही उसको सरप्राइज देंगे। अच्छा। तुलसी दीदी दही बारा लेकर के आ गई है, तो अब सोच रहे हैं जल्दी से ब्रश कर लिया जाए, नहा लेते हैं और हजम करते हैं। ये सबसे सरप्राइज था। अच्छा, उठने से पहले बन जाए। सबसे पसंदीदा चीज है मेरा, हर होली में यही खाते है सबसे ज्यादा। और यहाँ पर देखिए इन सभी को होली की तैयारी शुरू है। यहाँ नैन्सी दीदी पानी भर रही है गुब्बारे में, क्योंकि हम लोग से होली नहीं आता है ना। अच्छा, पानी भरा हुआ नहीं हो रहा था तुम लोग से? ये सबसे पहले किस पे होगा? मम्मी। मम्मी। इतना सारा बलून भर चुका है यहाँ पर, मम्मी भर के दी है, मम्मी से ही होगा। और यह जो है अपना शस्त्र लेकर के जाएगा। तुम्हारा वो कहाँ गया बंदूक सब? वो बंदूक मम्मी पता नहीं कहाँ रख गया। उसको भी यूज करना है ना। ओहो, होली की तैयारी शुरू हो चुकी है। पीछे आपको ढोल का आवाज आ रहा होगा, बाहर ढोल बज रहा है सोसाइटी में, और यहाँ सभी अपने गेटअप में आ चुके हैं, और वहाँ पर अभी गुलाल को सजाया जा रहा है एक थाली में, उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है। गुलाल है इस बार, हम लोग हर्बल गुलाल यूज करते हैं। हर्बल गुलाल है सारा यहाँ पर। लड्डू को देखिए, यहाँ देखिए सारे सोसाइटी के लड़के सब यहाँ आ गए हैं होली खेलने। यहाँ पर लड्डू को होली मुबारक, हरी भरी होली, एकदम ठंडा वाला होली, आइस वाला होली। अरे शर्मा जी, हैप्पी होली दीदा जी। ये टी शर्ट लिया ही गया इसलिए। अच्छा, कमरे में ही होली खेल ली जिया ने। अब जो है ना अपना टोपी दे दीजिए जिसका है।
पहन के तब से घूम रहे हैं आप। बहुत ज्यादा हो इसको शेक कर लेना। खुश रहो, बुरा ना मानो। ओड़ी है।